एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एस ए ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये आपका होता है 4πr² 4πr² इक्वल टू 154। आर की वैल्यू फाइंड करना है तो r² इज इक्वल टू 154 अपॉन 4π 154 अपॉन 4 इंटू पाई मीन्स 22 अपॉन 7 22 से 154 7 बार डिवाइड हो गया। r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4 या वी कैन राइट r² इज इक्वल टू 49 अपॉन 4। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड वी गेट देन r इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 4 होता है 7 होता है 7 जा 49 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यानी दोनों की सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करके लाना है किसका मून एंड अर्थ। तो इसको हम लेट कर लेते हैं लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ 8x तो डायमीटर ऑफ मून कितना होगा डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू ये होगा 1/4 × 8x 1/4 × 8x क्योंकि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर तो ये अर्थ के डायमीटर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का डायमीटर मून का डायमीटर जो है पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है तो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा 1/4 × 8x तो 4 × 8 तो ये आपका 2x आ गया डायमीटर। अब जो है जो डायमीटर ऑफ अर्थ है इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं यानी ये आपका 8x कैपिटल आर इक्वल टू आपका 8x है डायमीटर डायमीटर 8x है तो इसकी रेडियस आपकी हो जाएगी 4x। इधर मून का जो डायमीटर है उसको हम स्मॉल आर से डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं 2x है तो इसकी रेडियस मून की रेडियस हो जाएगी 2x/2। डायमीटर में से रेडियस फाइंड करने के लिए 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल तो मून का रेडियस आपका हो गया x और अर्थ का रेडियस हो गया 4x। अब इनमें जो है रेशो फाइंड करके लाना है फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया यानी मून एंड अर्थ का रेशो निकालना है तो देखिए लिखेंगे यहाँ रेशो ऑफ सरफेस एरिया तो सबसे पहले मून का रेशो कितना देखिए सबसे पहले 4πr² 4πr² यानी
ये आपका मून का रेडियस है, तो 4πr² मून के रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है और अर्थ के रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो 4πR², 4π से 4π कैंसिल। इधर स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास x² है और आर की वैल्यू 4x² कैपिटल आर की वैल्यू 4x। तो इधर x² 4x का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x², ये आपका कैंसिल हो गया ऊपर 1 यानी 1/16, या इसको लिखेंगे 1:16, दैट इज योर आंसर। यानी 1 और 16 का रेशो फाइंड होके आ गया सरफेस एरिया में। अब आप इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, यानी इसकी मोटाई दी है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है। तो फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का फाइंड करके लाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इनर डायमीटर, इनर रेडियस आपको दिया है इसमें 5 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आउटर रेडियस इसकी कैसे फाइंड करेंगे, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये हम कैसे इनर रेडियस में जो आपको इसकी मोटाई दी है 0.25 इसको ऐड कर देंगे तो ये 5.25 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर की वैल्यू हो गई यानी आउटर रेडियस। अब हमको फाइंड करना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वॉल। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², जो हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया वही बॉल का जो है कर्व सरफेस एरिया होगा 2π 22/7, r² आर की वैल्यू 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। यहाँ मैं 1 लिखूँगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 00, इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10, 0, 5 से ये 105 बार कैंसिल, फिर 5 4 जा 20 और 5 से ये 21 बार कैंसिल, 2 से ये 2 2 जा 4, 2 से ये 22 11 बार कैंसिल हो गया। तो ऐसी 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 और ये आपका 105। फाइव फोर जा 20 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5,
तो कुल मिला के आपका बचा 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। इधर है आपका 7 और 4 7 4 जा 28। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 का 441 में मल्टीप्लाई करते हैं फोर एट फाइव वन अपॉन 28, और 28 का आप 4851 में डिवाइड करते हैं तो 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। यही आपका कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि एरिया शब्द लिखा है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना ज़रूरी है। तो आज इतना ही, थैंक यू।